पल्सर पे मैंने काफ़ी टाइम बाद इतनी लंबी राइड की है. दिस इज़ नॉट अ लंबी राइड, लेकिन पल्सर पे मैं जनरली सिटी कम्यूटिंग करता हूँ और बहुत कम चलाता हूँ बाइक. एक्चुअल में बाइक चलाना कम हो गया है मेरा. एक टाइम था आई यूज़ टू हैव हीरोंडा करिज्मा. आई यूज दैट बाइक फॉर 9 long years एंड आई डिड मोर देन 2 lakh kilometers ऑन दैट कॉलेज डेज एंड फिर छोटा मोटा राइड्स एंड ऑल. तो मेरे को मेरे बाइक की बहुत याद आई. इफ़ यू रिवाइंड अ डिकेड बैक, 10 साल पीछे अगर आप जाओगे, तो करिज्मा एंड पल्सर 220 वेर द टू बाइक्स वी वेर रूलिंग द एरा. ओके, बट स्टिल पल्सर इज डूइंग गुड. करिज्मा हैज़ यू नो फेडेड आउट फ्रॉम मार्केट. आई डोंट नो व्हाई हीरो पीपल दे डिडंट पे करेक्ट अटेंशन टुवर्ड्स द बाइक. नाउ समथिंग अबाउट दिस बाइक, आई डिड दिस एट सह्याद्री एंड यू ऑल गाइस मस्ट बी नोइंग सह्याद्री राइट, वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू गेट ऑल दिस थिंग्स डन. And this box, basically panniers belong to him, that pannier, the entire this GV box is also belong to Bhushan from Sahyadri. Maine jo cheeze mangayi thi wo aayi nahi thi, isliye he said just go ahead. Okay, so that's a good thing about him, very friendly guy. And because of this bike pe jo weight aaya hai, bike is not performing like what it used to perform before. Obviously itna weight aane ke baad mein. और एक प्रॉब्लम ऐसा हुआ कि बिफोर लिविंग आई हैव टू रिमूव द मेन स्टैंड बिकॉज द साइलेंसर हैज़ बीन एडजस्टेड बिट डाउन. यहाँ पे एडिशनल पट्टी ला के थोड़ा 1-2 inches उसको नीचे किया है बिकॉज ऑफ द स्पैनियर्स. तो द साइलेंसर हैज़ कम डाउन, तो अनफॉर्चुनेटली मेन स्टैंड भी नीचे आ गया था. यू नाउ यू कैन सी दिस गैप, यहाँ पे मेन स्टैंड हुआ करता था और वो बार बार नीचे घस रहा था. तो ऑलरेडी विद दिस सॉर्ट ऑफ वेट ऑन द बाइक आई हैड टू गेट रिड ऑफ मेन स्टैंड एंड हेंस मैं यहाँ पे ठीक से आया हूँ. अदरवाइज वो सिटी में किसी भी स्पीड ब्रेकर पे घस रही थी बाइक. पल्सर 220 ट्रस्ट मी इज लाइक एन एवरेज मोटरसाइकिल जिस पे आप टूरिंग भी कर सकते हो. देर आर हंड्रेड ऑफ पीपल हु आर डूइंग टूरिंग ऑन पल्सर 220. यस, देर आर हंड्रेड ऑफ पीपल. आफ्टर पुटिंग ऑल दिस सेट पैनियर्स का यू नीड टू इंक्रीज द हाइट ऑफ द बाइक. अभी मेरे को पता नहीं इसका हाइट बढ़ाने के बाद में ये बाइक कैसे परफॉर्म करेगी. काफ़ी सारे मोड्स करने पड़ेंगे. नाउ मैंने आपको जैसे बोला था कि दिस ईयर इज़ ऑल अबाउट टूरिंग, बट आई एम नॉट डूइंग टूरिंग ऑन दिस बाइक. एक इस पर मैंने ऐसी पैनियर का सेट लगा दिया जस्ट फॉर यू नो थोड़ा सा फील आने के लिए. अदरवाइज टूरिंग तो दूसरे बाइक पर होगी, विच इज़ नॉट इट डिसाइडेड. सो फार सो गुड. इतना वेट डालने के बाद और एक प्रॉब्लम आ रहा है कि जो पीछे जितना वेट हो गया, बाइक पीछे से बहुत हेवी हो गई, इसलिए इसका हैंडल बहुत वॉबल होता है वंस वी लीव द हैंड. और टर्निंग्स पे कॉर्नर्स पे बहुत संभाल के चलाना पड़ता है. दिस इज़ द चार्जर आई हैव इंस्टॉल्ड. दिस यूज़ टू बी ऑन माई निंजा 650 प्रीवियसली. इसको ऐसे लगा देंगे तो वाटर प्रूफ हो जाता है, तो इसके साथ वॉश कर सकते हैं. ये तो ब्लिंकर्स फ्लैशेस के लिए, हज़ार्ड लाइट्स के लिए स्विच है चारों, और ये ऑक्स लाइट्स के लिए ऑक्सलाइट. एंड आई हैव चेंज दिस इंडिकेटर्स, आई गॉट दिस फ्रॉम अमेजोन. दिस वर्क एज अ DRL. इसकी इतनी बड़ी लाइट नहीं गिरती है, इट इज़ नॉट दैट पावरफुल, बट इट इज़ ओके. सो दिस इज मेन हाईलाइट. अगर ये लाइट नहीं होती तो कल हम लोग शायद डिफिकल्टी से जाते. और आई हैव सीन द मिरर, थोड़ा सा नॉइजी है, बट दिस हैज़ गॉट इंडिकेटर्स. दिस इज़ द आफ्टर मार्केट वाइजर. You can get put a touring visor as well. Sahyadri do that also. You can put a touring visor to it. I have changed the guards. So basically, all this thing, guards, pannier ka set, top box, this has added lot of weight. Uske baad mera wazan.